मोरबी हादसे को लेकर एक बड़ी खबर। जायंट्स मामले में गिरफ्तार उरेवा के मैनेजर दीपक पारेख का एक बयान सामने आया है, जिसमें उसने कोर्ट को बताया है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। यानी आरोपी मैनेजर दीपक पारेख ने कोर्ट के सामने इस दर्दनाक हादसे को भगवान की इच्छा करार दिया है। मोरबी हादसे के दौरान देखिए किस तरह से यह स्टेटमेंट मैनेजर ने हादसे को बताया, भगवान की इच्छा, एक्ट ऑफ गॉड, मतलब एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं, एक्ट ऑफ गॉड। कोर्ट में पेशी के दौरान मैनेजर ने यह बयान दिया है। अब इसको लेकर भी तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, जो कि लाजमी है। तो मोरबी हादसे को लेकर यह बड़ी खबर, इस मामले में गिरफ्तार उरेवा के मैनेजर दीपक पारेख का बयान सामने आया है, जिसमें दीपक पारेख ने बोला है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। यानी आरोपी मैनेजर दीपक पारेख के मुताबिक कोर्ट के सामने इस दर्दनाक हादसे को भगवान की इच्छा करार दिया गया है। तो शर्मनाक बयान, मैनेजर ने हादसे को बताया भगवान की इच्छा, क्या अपने कमियों को छुपाना, लीपापोती करना और इसको एक्ट ऑफ गॉड करार देना कहां तक जाए, इसको लेकर भी तीखी टिप्पणी शुरू हो चुकी है। तो मोरबी हादसे के आरोपी मैनेजर का यह शर्मनाक बयान आया है, जहां मैनेजर दीपक पारेख ने हादसे को बताया भगवान की इच्छा यानी एक्ट ऑफ गॉड। इस घटनाक्रम में 135 लोगों की जान चली गई कंपनी को, लेकिन देखिए किस तरह से यह बयान सिर्फ बेतु का बयान नहीं, असंवेदनशीलता को भी दिखाता है। और भगवान के नाम पर किस तरह से अपनी कमियों को छुपाना, खुद को बचाने की पूरी तरह से कोशिश। मोरबी हादसे के आरोपी मैनेजर का यह बयान, जिसको लेकर काफी हो हल्ला भी हो रहा है। मैनेजर ने हादसे को बताया भगवान की इच्छा यानी एक्ट ऑफ गॉड। तो क्या मोरबी हादसा सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड है, सवाल यह। और कोर्ट में यह कहा गया है, गिरफ्तार आरोपियों में से एक है दीपक पारेख, इसने कोर्ट में बयान दिया यह भगवान की इच्छा थी कि ऐसी घटना हुई, एक्ट ऑफ गॉड है। यानी कि अपनी कमियों को सिरे से खारिज कर देना कि हां इसमें कोई गलती हुई, कोई चूक हुई, लेकिन क्या यह सिर्फ चूक है या गुनाह। इस पर बातचीत करने के लिए शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, किस तरह से इस बयान को देखती हैं? 135 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन कोर्ट में जो मैनेजर है दीपक पारेख कहता है ये एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान की इच्छा थी। ये तो वैसे ही भाषा का इस्तेमाल हो रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता हादसे के बारे में कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और वही भाषा का इस्तेमाल अब ये कर रहे हैं कि विल ऑफ गॉड है। ये विल ऑफ गॉड ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जाए जिनका इसमें एक्सपीरियंस ही नहीं था। ये क्या इनका विल ऑफ गॉड ये कहता है कि ऐसे इंजीनियर्स को लगाएं जो मीटिंग मैनेजर्स हैं और इंजीनियर्स नहीं हैं? क्या विल ऑफ गॉड ये कहता है कि जो आपको रस्ते जो केबल था उसको रिपेयर करने की बजाय सिर्फ पेंटिंग आपने कर दी और वो ब्रिज को खोल दिया, और आपका विल ऑफ गॉड ये कहता है ये हादसा होने के बाद आप इस तरीके का नैरेटिव बनाए कि 25 लोग उस ब्रिज को हिला रहे थे इनकी वो टूट गया, तो इनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्टैंस है और इस तरीके का ये बात करना, और FIR में जो जो इस कॉन्ट्रैक्टर के मेन बॉसेस है उनका नाम तक नहीं होना दिखाता है कि बिल्कुल फ्रॉड है, विल ऑफ गॉड नहीं है, बिल्कुल फ्रॉड है, जहां पे गुजरात सरकार अपना बचाव करने का काम करेगी। प्रियंका, 135 लोग की मृत्यु हो गई, लेकिन भगवान के नाम पर खुद को बचाने की एक कोशिश, सिर्फ ये कोशिश भर, या इसको किस तरह से देखते हैं, गुनाह, क्या ये जायज है? मैं कहती हूँ 135 लोग मरे जिसमें से 47 छोटे बच्चे थे, बच्चे जिनकी पूरी जिंदगी आपने आधी में काट दी कि आपकी लापरवाही थी, और उसमें कह देना भगवान ये चाहते थे, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। इनके तो एक और मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि इस तरीके की हादसे का मजाक बनाकर रखा है, लोगों की जाने गई है, परिवार उठते हैं, उसका आप मजाक बना रहे हैं। पर सबसे दुखद ये बात होती है जिस तरीके से लोगों पे दोष मढ़ा जा रहा है, ठीक, अकाउंट सरकार से और एजेंट कॉन्ट्रैक्टर से नहीं ली जा रही। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी पार्टी का और अपना पक्ष रखने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी, नेता शिवसेना। मोरबी हादसे के आरोपी मैनेजर का यह बयान देखिए कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता को यह दर्शाता है, और खुद को बचाने की पूरी तरह से कोशिश। भगवान के नाम पर 135 लोगों की जो कुर्बानी हुई उसमें एक्ट ऑफ गॉड का हवाला दे दिया गया इस मैनेजर दीपक पारेख की तरफ से।